नक्सलियों के शव को लाद कर ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पुलिस बल के जवान इसमें तैनात है। महिला सुरक्षा बल के जवान भी हैं, दिखाइए इनको, बहुत जरूरी है। ये बस्तर की तस्वीर है, ये अबूझमाड़ के जंगल की तस्वीर है। ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अबूझमाड़ में जो नक्सल एनकाउंटर हुआ उसके बाद देखिए एक एक करके जो जवान हैं वो सुरक्षित वापस लौट रहे हैं। देखिए ये वही जवान हैं जो नक्सल एनकाउंटर में शामिल थे। सामने की तस्वीर भी दिखाइए किस तरीके से जो है संजू, आगे भी जो जवान हैं वो जा रहे हैं और उनको जूम करके दिखाइएगा। एक जवान जा रहे हैं, उनके कंधे पर मोर्टार, मोर्टार जो है वो कंधे पर उनके नज़र आ रहा है। देखिए उस मोर्टार को यूज़ किया जाता होगा नक्सलियों से जब मुठभेड़ होता होगा, तो उस मोर्टार का उपयोग करते होंगे सुरक्षा बल के जवान। देखिए राइफल जो है वो हाथ में है और बहुत यंग और डायनेमिक जवान है, कम उम्र के भी जवान है। देखिए कंधे पर देखिए बंदूक लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो ये देखिए ट्रैक्टर भी आ गया, इसी ट्रैक्टर पर जो है नक्सलियों के शव को लाद कर ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पुलिस बल के जवान इसमें तैनात है और ये देखिए नक्सलियों के शव आपको नजर आ रहे होंगे ट्रैक्टर पर जो है। और देखिए किस तरीके से जो है ये तमाम वो जवान जो है आपको देखिए बड़ी संख्या में, ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है। वो जवान आप देखिए मेरे आगे पीछे आप देख पा रहे हैं, देखिए महिला सुरक्षा बल के जवान भी हैं, दिखाइए इनको, बहुत जरूरी है। ये बस्तर की तस्वीर है, ये अबूझमाड़ के जंगल की तस्वीर है। ये वो महिला सुरक्षा जवान हैं जो नक्सलियों से लोहा लेती हैं और उनको धाराशाही करती हैं। देखिए हमारे साथ पीछे भी देखिए जवान नजर आ रहे हैं, बहुत ही फुर्तीले और बहुत ही ये लंबे कदकाठी के जवान जो जंगल में जाते हैं और नक्सलियों से लोहा लेते हैं और अपनी पराक्रम से, अपनी शौर्य से पूरे देश को गर्व महसूस करवाते हैं। बताइए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय के नारे लग रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है एक के बाद एक अब जो जवान हैं वो बाहर की ओर रवाना हो रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षित जो हैं अब घर लौट रहे हैं। दो दिनों से ये जो मुठभेड़ चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। और आगे भी दिखा दीजिए तस्वीर आप संजू, वो पेड़ के नीचे कैसे जो है जवान आराम कर रहे हैं, बहुत थके हुए हैं क्योंकि लगातार दो दिनों से जो है जंगल में मूवमेंट चल रहा था, नक्सल ऑपरेशन चल रहा था। 31 नक्सलियों के शव जो है इस ऑपरेशन में बरामद किए गए हैं। ये वो चेहरे देख लीजिए आप, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज पूरे छत्तीसगढ़ को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। बस्तर फाइटर के जवान, बस्तर DRG के जवान, STF के जवान, दंते और नारायणपुर का जो बॉर्डर इलाका है अबूझमाड़, वहां पर एक बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुआ जिसमें 31 नक्सलियों का शव बरामद किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये सबसे बड़ा नक्सल मुठभेड़ माना जा रहा है और जो जवान है STF के और DRG के वो अबूझमाड़ के जंगल से बाहर निकलकर सुरक्षित लौट आए हैं और सभी जो है इस वक्त आराम के मुद्रा में नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं और ये सभी लोग जो है देखिए यहाँ पर अभी आराम कर रहे हैं, बैग रख के, अपने राइफल्स को रख के। हमारे सहयोगी नावेद हैं जो कि इस इलाके को अच्छे से समझते हैं। संजू भाई मैं बोलूँगा कि नावेद को सुनाइए आप, क्योंकि नावेद जो है इस इलाके को अच्छे से समझते हैं और यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है उसको ये समझते हैं। नावेद ये बताइए कि ये ऑपरेशन जो था कितना कठिन था और ये जो जवान हैं इनके बारे में आगे आप कहिए कि ये जवान इतने साहसी, इतने निडर होकर इन्होंने नक्सलियों से लोहा लिया और 31 नक्सलियों को मार गिराया। देखिए पूरा नारायणपुर जिला और थुलथुली गांव की मामला है जहां पर नक्सलियों एक ऑपरेशन लॉन्च किया था नक्सलियों की सूचना पे, लेकिन इस जवानों की जज्बा और इस जज्बा को अपन सलाम करते हैं। जो नक्सली के जो भिहड़ों में, नक्सली के जो बंदूक के नोक में जो हुकूमत चलाती थी नक्सली, नक्सली की राजधानी जो कहा जाता था उस जगह को, लेकिन आज उस जगह को आज़ादी दिला के इन लोग पहुंच रहे हैं। जो आज़ादी का एक गवाह है, देख सकते हो इतनी संख्या में हैं ये जवान जो काफ़ी तौर पे नक्सली को मार गिरा के लाए हैं। 36 नक्सली को मार गिरा ना, जिसमें काफ़ी बड़े लीडर भी हैं, शीर्ष लीडर, जिसमें 31 के शॉप बरामद हो गए हैं, 36 कहा जा रहा है कि मारे, हाँ 31 के शव बरामद हो गए हैं, जिसमें बड़ी लीडर की जैसे नीति, मलेश और कमलेश। अच्छा ये जिसका आप नाम ले रहे हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों बड़े लीडर इनको कहा जाता है, किन किन नक्सल घटनाओं में ये शामिल रहे हैं? देखिए कमलेश और नीति की जो है ना नक्सलियों का
डीकेसे मेंबर के जो सदस्य माना जाता है, काफ़ी बड़ी नक्सली मुठभेड़ और कई आईडी ब्लास्ट और नक्सलियों की जो बूस्टर डोज देने वाली नीति कमलेश, इन लोग को माना जाता है और कमांडर के तौर पे काफ़ी बड़ी लोगों को लुभावित करने वाला और बस्तर की जो बंदूक की छाया पे जो जिंदगी को जीने की इन नीति और इन लोगों की जैसी ही लोगों के कारण ही बड़ी लीडर उनको माना जाता है। जी मैं बताऊंगा नावे टोक रहा हूं आपको, एक चीज ये बताइए, इतने सारे जवान हैं लेकिन ये ज्वाइंट ऑपरेशन करना, इतना मिलकर कोऑर्डिनेशन बैठाना कितना कठिन होता होगा ना, ये तो आसान नहीं होता होगा। इतने जवान हैं, कैसे एम्बुश बनाएंगे, कैसे घेरेंगे नक्सलियों को, कहां से टारगेट करेंगे, कौन फॉरवर्ड रहेगा, कौन बैकअप देगा, बहुत बड़ा कठिन होता होगा ये तो। नहीं देखी जाए तो ये नक्सलियों की जैसे जिस प्रकार से जवान ट्रेनिंग लेते हैं उस प्रकार से इनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है। जिस प्रकार से इन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है और उनकी जो नक्सली जो जैसे बड़ी अधिकारी जैसे नक्सल ऑपरेशन क्यों बनाते हैं, क्या बोलते हैं, अब नक्सल संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च करना है तो उस बैठक में इनको सब निर्णय दिया जाता है कि किस प्रकार से अब लॉन्च किया जाएगा और उनकी भी जो सूचना तंत्र रहती है मजबूत रहती है, उन सूचना तंत्र के माध्यम से उन लोग ने ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। धीरे धीरे करके सभी जवान जो है जंगल से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि बहुत भारी मात्रा में जो है जवान अंदर रवाना हुए थे क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। जो इंटेलिजेंस आया था कि नक्सलियों की सूचना मिली थी, मौजूदगी मिली थी उस क्षेत्र में जहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ और हमारे जवान जो है अंदर रवाना हुए और इतनी बड़ी सफलता हाथ लगाकर बाहर आए। कैमरा पर्सन संजू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।